टॉप फोर बेस्ट Xiaomi Redmi स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीज। तो अगर आप Xiaomi कंपनी के फैंस हैं या फिर आप 15,000 रुपीज की बजट प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन सर्च कर रहे हैं जो कि Redmi की तरफ से देखने को मिलते हैं, तो आज की इस वीडियो में हमने उन्हीं चार स्मार्टफोन्स के बारे में बात करी है। सो प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो बिना किसी तरीके चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, तो वो हमने रखा है Xiaomi की तरफ से आने वाला Redmi Note 13 5G स्मार्टफोन, जो कि आपको 15,000 to 16,000 रुपीज की बजट प्राइस में देखने को मिल जाएगा। तो आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको इस बजट का Redmi का वन ऑफ द बेस्ट एंड लेटेस्ट स्मार्टफोन परचेज करना है। वहीं पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 6080 का एक 2.4 GHz पे क्लॉक्ड ऑक्टोकोर 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको 6GB रैम सपोर्ट के साथ 128GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है, और इसके साथ साथ आपको 5000mAh की काफी बढ़िया बड़ी बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहीं पर अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो डिस्प्ले के तौर पर आपको यहाँ पर 6.67 इंचेस की एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 1080x2400 pixels की है, और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 395 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल डिस्प्ले परफॉर्मेंस अगर बात करी जाए, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है, और ये आपको फील भी हो जाएगा जब भी आप कोई कंटेंट कंज्यूम करोगे इसमें। इसके बाद एट द एंड अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो वो काफी लाजवाब देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पर 108MP के प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल लेयर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ आपको 8MP का सेकेंडरी कैमरा और +2MP का एक थर्ड आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है, और आप यहाँ से मैक्सिमम 1080p में अपनी वीडियोस को 30fps पर इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा सामने की तरफ भी आपको 16MP का काफी बढ़िया एक सेंसर देखने को मिल जाता है। सो अगर आप अभी के टाइम पे एक लेटेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जिसमें आपको ऑलराउंडर स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाए, तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, जो कि हमने रखा है Redmi की तरफ से आने वाला Note 12 5G स्मार्टफोन, और ये स्मार्टफोन आपको 13,000 to 14,000 rupees की प्राइस में देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा एक जनरेशन पुराना है, बट अभी के टाइम पे भी इस स्मार्टफोन को कंसीडर किया जा सकता है, तो आप इस स्मार्टफोन के साथ भी जा सकते हैं। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करी जाए, तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 4Gen1 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2GHz पे क्लॉक्ड एक ऑक्टोकोर 5G प्रोसेसर है, एंड यहाँ पर आपको 4GB रैम सपोर्ट के साथ 128GB तक की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको बैटरी के तौर पर भी 5000mAh की काफी बड़ी बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, एंड वहीं डिस्प्ले के तौर पर भी आपको 6.67 इंचेस की एक AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देती है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 1080x2400 pixels का है, जो कि 395 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करता है, एंड स्क्रैचेस एंड डेंट से प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसके अलावा फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एट द एंड अगर बात करें वहीं पे इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 48+8+2MP का एक ट्रिपल लेयर कैमरा सपोर्ट मिल जाएगा, और आप यहाँ से मैक्सिमम 1080p में अपने वीडियोस को 30fps पर इजीली रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको 13MP का एक काफी बढ़िया सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, जो कि हमने रखा है Redmi की तरफ से आने वाला Redmi 12 5G स्मार्टफोन, और ये स्मार्टफोन आपको 11,000 to 12,000 rupees की प्राइस में देखने को मिल जाएगा। तो आप इस स्मार्टफोन के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बजट रेंज के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशंस काफी बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। अगर डिटेल से बात करें हम इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए Qualcomm Snapdragon 4Gen2 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2.2GHz पर क्लॉक एक पावरफुल ऑक्टोकोर 5G प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको 4GB रैम सपोर्ट के साथ 128GB की इनबिल्ट मेमोरी भी मिल जाती है, एंड वहीं आपको बैटरी के तौर पर 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा अगर वहीं पे बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर 6.79 इंचेस की एक IPS LCD पैनल देखने को मिलती है, जो कि 1080x2460 pixels की है, और ये जो डिस्प्ले पैनल है 396 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। एंड इसके अलावा आपको इस बजट में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ। इसके अलावा एट द एंड अगर वहीं पर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50+2MP का डुअल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है, और आप यहाँ से मैक्सिमम 1080p अपनी वीडियो 30fps पर फुल एचडी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड वहीं आपको सामने की तरफ भी 8MP का एक काफी बढ़िया फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके बाद चलिए एट द एंड बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के
फोर्थ एंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि हमने रखा है Xiaomi की तरफ से आने वाला Redmi 13C 5G स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन भी आपको 10,500 रुपीज की प्राइस में देखने को मिल जाएगा, तो आप इस स्मार्टफोन के साथ भी जा सकते हैं अगर आपको बजट 10,000 रुपीज तक ही है। सो फाइनली अगर बात कर ले इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 6100 प्लस का एक 2.2 GHz पे क्लॉक्ड ऑक्टोकोर 5G प्रोसेसर मिल जाता है, जहाँ पर आपको 8GB रैम सपोर्ट के साथ 256GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको बैटरी के तौर पर भी 5000mAh की काफी बड़ी बैटरी के साथ 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपको बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ा डिसेंट देखने को मिल जाती है। एंड इसके अलावा अगर वहीं पे बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर 6.74 इंचेस की एक काफी बड़ी IPS LCD पैनल देखने को मिल जाती है, जो कि 720x1600 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 267 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है एंड 90Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात पे इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50 प्लस एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है, मतलब आपको यहाँ पे डुअल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। और जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाएंगे, तो आप यहां से मैक्सिमम 1080p में अपनी वीडियोस को 30fps पर इजीली फुल HD में रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड वहीं आपको सामने की तरफ भी 5 मेगापिक्सल का एक काफी बढ़िया सेंसर देखने को मिल जाता है। सो ये रहे टॉप 4 बेस्ट Redmi स्मार्टफोन्स, जो कि आपको अंडर 15,000 रुपीज देखने को मिल जाएंगे। सो आप अपने चॉइस या फिर अपने नीड यूजर्स के बेसिस पर किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिएगा लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए राधे राधे।